दोस्तों ये तैयारी हो रही है दाल की कढ़ी बनाने की। ये देखिए लहसुन पिसा हुआ है, इसके अंदर और मसाले मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए धनिया, हल्दी, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए ये सारा इसके अंदर डाला जाएगा। और इसके बाद ये देखिए ये चने की दाल है, ये उड़द की दाल है, दोनों दालों को मिक्स करके फिर ये बनती है। और ये उड़द की दाल के छिलके हैं, इनको भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये देखिए दोस्तों इनको अभी हम इस्तेमाल करता हुआ दिखाएंगे। अब दोस्तों अब तैयारी पूरी होने लग रही है दाल बनाने की, कढ़ी अब तैयार होगी दाल वाली। इन दोनों दालों को मिक्सअप कर रहे हैं और इसी में थोड़ा सा गरम मसाला भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जिस दाल को हमने इसको इस तरह टाइप से मिक्स करने लग रहे हैं, ये मिक्स करने के बाद इसके बड़े बन जाएंगे। और कड़ी वाली दाल को अलग रखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें साबुत जीरा भी पड़ता है। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें साबुत जीरा डाल दिया जाता है, ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा। ये दाल के साथ ही पक जाता है। और नमक भी स्वाद अनुसार डाल लिया जाता है। बस ये बड़ा बनने के लिए तैयार है दोस्तों, जो कि दाल वाली कढ़ी में डाला जाता है। जब ये बनेगी फिर दिखाऊंगा। दोस्तों ये रिकवच के लिए तैयार हो चुका है दाल। और जो सिर्फ उड़द की दाल के बड़े बनते हैं उनको बड़ा बोला जाता है। रिकवच में सारे मसाले मिक्स किए जाते हैं, जबकि उड़द की दाल के अंदर सिर्फ जीरा और नमक मिक्स करके पका लिया जाता है। ये तेल गर्म हो चुका है दोस्तों, ये देखिए ये बनने लग रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा लंबा करके बना लिया जाता है। ये आप दूसरी शेप भी बना सकते हैं, पर ज्यादातर यही शेप बनाई जाती है। तेल गर्म हो चुका है दोस्तों, ये देखिए ये बनने लग रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा लंबा करके बना लिया जाता है। ये सुनहरे होने लग रहे हैं, सुनहरे होने पर इनको तल लेना है, तल के इनको रख लेना है। ये देखो ये रिकॉर्ड तैयार है। कढ़ी भी बन गई है, कढ़ी डाल ली है, कढ़ी चावल, और ये रोटी बनने लग रही है। बढ़िया, बस खाने के लिए तैयारी हो गई है।